सो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो देखेंगे कि ये ZLD यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या होता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, कौन कौन से इंडस्ट्री जो है वो ZLD अपनाते हैं, करते हैं, और इसका क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो देखिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कहने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा हम लोग बेसिक से अभी बात करते हैं। ओके, तो देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वर्ल्ड में हो, चाहे इंडिया में हो हमारा, तो कोई भी लिक्विड, कोई भी आपका इंडस्ट्री हो, चाहे वो नॉर्मल सा शॉप हो, हर एक इंडस्ट्री के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। उनके प्रोसेस के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। ओके, और जब इस वाटर का यूज हो जाता है किसी प्रोसेस में, तो वो वाटर जो होता है वो वाष्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे उसमें केमिकल मिक्स हो जाते हैं, गंदगी वगैरह मिक्स हो जाता है, तो ये सभी मिक्स होकर क्या होते हैं, वो वाष्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उसको दोबारा यूज नहीं किया जाता है। और अगर अगर उसका मान लीजिए नॉर्मल आपका इन्वायरमेंट में अगर डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो एक तरह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी होगा हमारा, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इन सभी को देखते हुए, अब पहले के समय में क्या होता था कि ये तो नॉर्मली कर दिया जाता था, डिस्चार्ज नदी नाला में बहा दिया जाता था, लेकिन आज के समय में एक इन्वायरमेंट इशू एक बहुत बड़ा इशू है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए, ठीक है, एक यहाँ पे आइडिया लाया गया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लाया गया जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कहने का मतलब ये है कि जो वो वाटर हम इंडस्ट्री में यूज किए, तो जो वो वाष्ट वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा था किसी प्रोसेस के ख़त्म हो जाने के दौरान, तो उसको अब नॉर्मली इन्वायरमेंट में हम नहीं छोड़ के एक प्लांट में भेज देते हैं, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट कर दिया जाता है एक एडवांस लेवल पे। ओके, और वो वाटर ट्रीटमेंट जब होता है तो वो वाटर को फिर से रीयूज करने लायक हो जाता है, फिर से वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जो सॉलिड वाष्प बचते हैं उसको भी फिर से या तो रीयूज में कन्वर्ट कर लिया जाता है या कुछ डिस्पोजल कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो यूज वाली चीज़ नहीं होते हैं उनको सेफली डिस्पोज कर दिया जाता है। तो यही जो होता है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो टॉपिक है, वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज से रिलेटेड है, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जिसको हम लोग अभी सिंपली समझे, अब देखिए ये एक नॉर्मल सा प्लांट है जहाँ पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो है वो प्रोसेस जो है वो होता है, यानी कि यहाँ पर जो वाष्ट वाटर जो है वो आता है और फिर से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता है। ओके, पूरा वो एक तरह का प्लांट होता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली समझते हैं कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज क्या होता है। तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी कि जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ZLD इज ए एडवांस वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस डिजाइंड टू कम्प्लीटली इलिमिनेट लिक्विड वाष्ट फ्रॉम ए सिस्टम इंश्योरिंग डेट नो वाटर इज डिस्चार्ज इन टू द इन्वायरमेंट। यानी कि ये एक तरह का एडवांस लेवल का वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है। देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है वो एक एडवांस लेवल का है, क्योंकि वाष्ट जो वाटर है वो एक एडवांस लेवल पर उसको फिर से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहा है और फिर से उसको रीयूजल भी बना रहा है। तो एडवांस लेवल पर इसका यहाँ पर जो वाष्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो भी वाष्ट वाटर है उसको इन्वायरमेंट में ना फेंका जाए ना डिस्चार्ज किया जाए। चूँकि इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज नहीं होगा, पूरा जो है वो प्रोसेस के बाद वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम भी पड़ा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ओके, तो इसका गोल क्या है, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ ZLD इज टू रिसाइकिल द रीयूज एज मच वाटर एज पॉसिबल रिजल्टिंग इन मिनिमम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड ग्रेटर वाटर इफिशेंसी। इसका पर्पज, इसका गोल यही है कि जो वाष्ट वाटर जो बना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसको फिर से रिसाइकिल करना, उसको फिर से रीयूज करना जितना से जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, ताकि एक तो इन्वायरमेंट में इसका इम्पैक्ट ना पड़े, जो बुरा इम्पैक्ट जो पड़ता है, ओके, वो ना पड़े, साथ में वाटर की इफिशेंसी भी इंक्रीज हो, ठीक है। प्लांट में जो वाटर यूज होने वाला है उसको अलग से ना लेकर अगर हम फिर से इसको ही रीयूज कर लेंगे तो ये प्लांट के लिए भी बेहतर होगा। कुछ इस तरह का ये प्लांट होता है, ठीक है। ये इसका ले डायग्राम है, यहाँ पर देखिए आपका एक तरह से ये एक नॉर्मल सा कोई प्रोसेसिंग प्लांट है। ओके, और यहाँ पर ये जो प्लांट जो आप देख रहे हैं वो एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट
प्लांट है। ओके, अब देखिए मान लीजिए इस इंडस्ट्री में हम फ्रेश वाटर पहले यूज करेंगे किसी प्रोसेस के लिए, तो प्रोसेस के लिए जब यूज करेंगे तो वो एक वास्ट वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो यहाँ पर जाएगा आपका फ्रेश होने के लिए यानी ट्रीटमेंट होने के लिए, ठीक है। और जैसे ही ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर से ये जो ट्रीटमेंट किया हुआ वाटर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर को हम फिर से प्लांट में यूज कर लेंगे और जब फ्रेश वाटर के जब यहाँ पर इस प्लांट पे हम बनाएंगे तो जो सॉलिड वास्ट होगा वो अलग हो जाएगा और इस अलग हुए जो सॉलिड वास्ट जो अलग होता है उसको या तो कुछ पोर्शन आपको फिर से रिकवरी कर लिया जाता है, ठीक है, फिर से रिकवरी करके प्लांट में यूज हो जाता है, या कुछ पोर्शन जो यूज वाले नहीं होते उसको फिर से डिस्पोजल कर दिया जाता है। अब ये जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट है वो कैसे काम करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, इसको यहाँ पे सिंपली देखिए। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है प्री ट्रीटमेंट, जिसमें जैसे वास्ट वाटर आता है तो उसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल वगैरह है, लार्ज पार्टिकल, ऑयल, ग्रीस एंड अदर कंटामिनेंट्स वगैरह है उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस में जैसे कि वाटर को इवेपोरेट किया जाता है ताकि जो भी आपके कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल वगैरह है वो सेपरेट हो जाए, फिर इसको क्रिस्टलाइज किया जाता है ताकि जो भी सॉलिड सॉल्ट्स वगैरह और मिनरल्स वगैरह है वो सेपरेट हो जाए और फ्रेश वाटर हमें मिले। और जैसे ही फ्रेश वाटर मिलेगा तो वहाँ पर सॉलिड पार्टिकल जो होगा वो अलग हो जाएगा, तो सॉलिड पार्टिकल को या तो फिर से सेफली उसको डिस्पोज कर दिया जाता है कुछ पोर्शन, या फिर से उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है किसी इंडस्ट्री यूज के लिए। ओके, अब जो वाटर रिकवरी हुआ है जो कि हमको वेपराइज के फॉर्म में मिला है, वेपराइज और क्रिस्टलाइजेशन के स्टेज के बाद, तो उसको कंडेंस करके उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एज ए डिस्टिल वाटर और फिर से इसका रियूज किया जाता है प्लांट में फिर से किसी प्रोसेस के लिए। ओके, तो ऐसे ये प्रोसेस जो होता है वो वर्क करता है और हमें वास्ट वाटर से इस प्लांट के जरिए हमें फ्रेश वाटर मिलता है। ओके, अब देखिए जो वास्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि सब प्लांट इसे बैठा पाए। तो जितने भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और उनका प्लांट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी का है, तो उसमें ये ज़्यादातौर पर यूज किए जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड लेवल का हो चाहे वो इंडिया हो। जैसे आपका वाटर जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फार्माक्यूटिकल प्रोडक्शन हो गया, ओके, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा हो गया, तो ये सब बड़े प्लांट के कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर ZLS का यूज किया जाता है। ओके, अब इसका क्या बेनिफिट है अगर हम इसका यूज करते हैं, तो सबसे पहली बात की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, जो हम पहले इन्वायरमेंट में डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता था वो अब डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करके उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ होता है, पॉल्यूशन के इशू नहीं आता। ओके, नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन, तो हम इस वाटर को फिर से रीयूज कर लेते हैं जिससे हमारा वाटर कंजर्वेशन होता है, कॉस्ट सेविंग होता है वाटर के जरिए। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव पब्लिक इमेज। अब हम इन्वायरमेंट के लिए एक ऐसा अगर काम करें तो पब्लिक भी देखती है कि पब्लिक जो है आपका जो इंडस्ट्री जो है वो इन्वायरमेंट के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, तो एक तरह से पब्लिक में भी इमेज जाता है जिससे प्लांट का प्रोग्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है, प्लांट का इमेज जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी, तो रिड्यूस द वाटर फूड प्रिंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशन सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट। तो अगर जैसे ये प्रोसेस करने से जब हम वाटर को रीयूज करेंगे तो एक तरह से प्लांट में ये इमेज बनेगा, फुटप्रिंट बनेगा कि ये जो प्लांट है वो मिनिमम वाटर को यूज करके अपना प्रोसेस करती है, ठीक है, बिना वाटर को वेस्ट किए। तो इसके वजह से क्या होता है, ये अपने स्टेट में या गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो कितना ज़्यादा सेफ है, कितना कम पानी यूज करता है, कोई इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता है, ठीक है, हमारे से इन्वायरमेंट का कोई इशू नहीं है। तो ये सब दिखाकर क्या होता है, एक तरह का लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए उसको सपोर्टिंग मिलता है ऑपरेशन के लिए, किसी भी प्लांट में अगर ये चीज़ होता है तो। ओके, तो इतने सारे इसके बेनिफिट होते हैं। ओके, तो यही हो गया एक छोटी सी जानकारी ZLD के बारे में, यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।